और 5 तारीख तो आपको भी याद होगा कि 317 को लेकर 5 तारीख बेहद अहम होती है, और 5 अगस्त को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, क्योंकि 370 हटने की दूसरी बरसी कल है, और 370 को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, लेकिन पूरे 2 साल कल हो जाएंगे, और श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। ये जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार दावा ठोका जा रहा है कि जब से 370 हटा है तब से जम्मू कश्मीर में विकास धीरे धीरे बढ़ने लगा है, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई हैं, जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, ये बीजेपी दावा कर रही है। और केंद्र शासित प्रदेश जब से जम्मू कश्मीर को बनाया है तो ये कहा जा रहा है कि सब ठीक ठाक है। अभिजीत जसरोटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं, तमाम जानकारी उनसे लेने की पूरी कोशिश करते हैं। अभिजीत साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ 5 के 5 में जुड़ने के लिए। अभिजीत साहब, क्या वाकई 370 जब से हटा है जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया है क्या? क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या सड़कें बन गई हैं? बात करें पक्के घर की, वो जनता को मिलने लगे हैं? क्योंकि जनता तो अभी भी शिकायत कर रही है साहब, लेकिन आप बीजेपी के नेता हैं तो आप बखूबी पहले बता पाएंगे कि कितना विकास जम्मू कश्मीर में आप कर चुके हैं, क्योंकि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। देखिए, ऐसा है कि 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो एक नया तरह से जो है डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ है, ये हम सब जानते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां पर लोगों के मन में एक खौफ बनाया गया था कि पता नहीं अगर 370 और 35 से टूटेगा तो यहाँ पर कौन सा आंधी और कौन सा तूफान आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये जरूर हो गया कि यहाँ पर अब अकाउंटेबिलिटी हर एक चीज की शुरू हो चुकी है, हर टाइप की एजेंसीज अपना पूरी तरह से काम कर सकती हैं। जो कोई भी किसी लोगों ने 370 की आड़ में इस देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश की थी उन सबको आड़े हाथों लिया जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप आंकड़ा उठा के देखते हैं तो नंबर ऑफ स्टोन क्रैशिंग इंसिडेंट 83% डाउन। उसके अलावा जो नया रिक्रूट जो हथियार उठाया करता था आज की डेट में वो उठाने को तैयार नहीं है। तो हर टाइप की जो है वो जो टेररिस्टम के रिलेटिंग इंसिडेंट्स हुआ करते हैं उसमें भी काफी गिरावट आई है। तो ये जो चीज है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त 2019 के बाद ही पॉसिबल हो पाई। नहीं, कुछ पार्टियों की जो उसको बात करके और दूसरे एंगल से देखते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक खोखली सियासत 370 जैसे मुर्दे के ऊपर जो है वो चलाना चाहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं जो मुर्दा मर जाता है, जो खत्म हो जाती थी वो कभी वापस नहीं आती। खैर, उनको सूट करती होगी उनकी सियासत, वो जरूर कर सकते हैं इसके ऊपर सियासत, लेकिन हार्ड फैक्ट तो यही है और लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया है। जो हर चीज आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, पूरी दुनिया पिछले 2 सालों से कोरोना से जूझ रही है, बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज जो है वहां पर भी आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट का क्या दर रहा, हिंदुस्तान भी कुछ उनसे अलग नहीं रहा, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में कुछ हद तक जो है रोजगार दिए गए, ये आप सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात हर चीज जो हर एक इंसान को जानना जरूरी है, रोजगार जो दिए जा रहे हैं वो हकदार को हक दिया जा रहा है। एनसी कांग्रेस की तरह पीडीपी की तरह बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है कि जो कोई अपने कार्यकर्ता या अपनी जान पहचान के मामी या पूजी के बच्चे हुआ करते थे उनको नौकरी दी जाती थी, आज जिसका जो हक बनता है उसको वो नौकरी पारदर्शिता के साथ नौकरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये जो चीज है मुहिम जो है आज। ठीक है, लेकिन जब हम जिक्र करते हैं लद्दाख का भी, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश इस वक्त है और जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लद्दाख की जनता खुश नहीं है, क्योंकि जब हम केडीए मेंबर से बातचीत करते हैं, पिछले दिनों हमारी करगिली साहब से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि लद्दाख की जनता को जो वादा किया गया था वो तो मिला ही नहीं। शेरिंग नामग्याल साहब कह रहे थे कि नौकरी मिलेगी लद्दाख के युवाओं को, वो भी नहीं मिली। और जहां तक एक रिपोर्ट का जिक्र हम करते हैं तो जम्मू कश्मीर के युवा भी यही कह रहे हैं कि खासकर कश्मीर के युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया गया था युवाओं को खासकर वो मिला ही नहीं। तो आम जनता तो साहब कुछ और कह रही है। हाँ, हम ये मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि कोरोना का काल है और सब कुछ एक ठीक ठाक एकदम से नहीं हो जाता है, लेकिन कितना और समय लगेगा ये भी तो जनता जानना चाहती है। देखिए, ऐसी बात है कि लद्दाख के अंदर मुझे नहीं लगता सिवाय कुछ इलेक्टिव लोग हैं जो अपनी शायद सियासत के लिए ऐसी बात करते होंगे। आम लद्दाखी को पता है कि पहले वो किस तरह से जो है एक पर्टिकुलर एरिया की डोमिनेंस के अंदर लद्दाख के लोग रहते थे और लद्दाख के लोगों को पिछली जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने इरेलेवेंट करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लद्दाख वालों को तो अपना हक, अभी उनको पता लगा कि उनका हक क्या होता है, जिसके साथ उनके साथ किस तरह की वहां डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप कभी लद्दाख में जाएं तो आपको पता चलेगा किस तरह का निवेश वहां पर हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। तो आने वाला भविष्य जो है वो लद्दाख वालों का बहुत उज्ज्वल है, वो उसको बड़े भली भांति जानते हैं। सही बात, जब ये यूथ को बरगलाने की बात करते हैं तो इनके पास यही बातें रह जाती हैं। मेरे को तो सिंपल सा इनसे पूछना है कि आज अगर बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही तो क्या यूथ कुछ नहीं है?
तो ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप देखें पिछले 50-60 साल से जो खड्डे इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जो डाले पुरानी रियासतों पुरानी सरकारों ने यहाँ के लोगों के साथ जुल्म कर कर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ इन्होंने जो है वो अपनी वफा निभाई बाकी सबके साथ बेवफाई की है, उसको आप कैसे सोच सकते हैं कि 2 साल में सब कवर अप किया जा सकेगा। लेकिन हम लोग सही दिशा में है ये हमें पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम इनकी तरह सिर्फ एक आंख से देखने वाले नहीं है, हमारे लिए जम्मू और कश्मीर हमारी 2 आंखों की तरह है, दोनों एरियाज के साथ बराबर का इंसाफ हो। ठीक है अभिजीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए।